फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसे कि आपने मेरे पहले वाले वीडियो में देखा है, हम आए हैं अमृतसर विद फैमिली। तो अभी गोल्डन टेम्पल तो नहीं गए रात को, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, इस वजह से वो नहीं दिखा पाई मैं। थोड़ा बहुत घूमे मार्केट पर, टेम्पल की तरफ नहीं गए क्योंकि बहुत लेट हो गया था, इस वजह से। तो हम लेट ही उठे हैं, अभी लेट ही उठे हैं क्योंकि हम रात को बहुत लेट सोए थे, क्योंकि यहाँ पहुँचते ही हमें बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि उनको खुद का बहुत काम था, मेरे हस्बैंड और मेरे भाई को, इस वजह से हमें बहुत टाइम लग गया। हम सुबह से निकले थे, हम शाम को ही पहुँचे अमृतसर, बस घूम ही रहे थे गाड़ी में बैठे बैठे, थक गए थे काफ़ी, तो इस वजह से हम रात को नहीं गए टेम्पल। तो अब सुबह हम जाएंगे दर्शन करने, उससे पहले मैं थोड़ा तैयार होती हूँ, फिर हम जाएंगे चाय पीने, क्योंकि मैंने सुबह से चाय भी नहीं पी है। उसके बाद जाएंगे हम दर्शन करने, तो मैं आपको दिखाऊंगी आप दर्शन यहाँ पे कैसा कैसा है। अगर जिन लोगों को पता है भाई, वो तो उनको तो पता होगा, जिन लोगों ने नहीं देखा उन लोगों के लिए, तो आप मेरे वीडियो में आगे बने रहिए और देखें आप आगे दर्शन। ओके, ये लाए मेरे पति देव जूस मेरे लिए, उन्होंने कहा जूस पी लो, यहाँ पे गर्मी है काफ़ी, तो जूस लेकर आए हैं। और अभी दीदी को लेने गए हैं दूसरे रूम में, क्योंकि वो गए थे गाड़ी पर सामान लेने के लिए, तो उन्होंने सोचा जूस भी लेकर आ जाता हूँ। ये आ गए हमारे पति देव दे के जूस दीदी और को। ये इनको पता है ना, इनके बीबी को जूस बहुत पसंद है, पसंद है ना। अब हम जूस पी रहे हैं, पाइनएप्पल वाला, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है पाइनएप्पल जूस, तो ये लेकर आए। अब हो गए हम लोग रेडी, ये मेरे हस्बैंड ये भी हो गए हैं रेडी, अब हम लोग जाते हैं दर्शन के लिए। चाय तो नहीं पी, हमने जूस पी लिया था, इसलिए हम मन नहीं करना चाय पीने का। पैकिंग भी कर लिया अपना सामान, फिर जब हम चेकआउट करेंगे ना, कितने बजे तक करेंगे, जल्दी कर लेंगे। फिर अब मैं दिखाती हूँ आपको दर्शन। ये क्या है लड्डू? ये आ गई लड्डू रानी अपना सुबह सुबह लेकर, और ये मेरी बहन का सामान ही इकट्ठा होता। हाँ, ये बस लिपस्टिक इकट्ठा कर रही है। ये रूम के बाहर का है, देख लीजिए, मेरे पति घूम रहे हैं बस, ऐसा है ये होटल। सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे हम हैं, इधर भी रूम है, कचरा पचरा है। ये लड्डू रानी, लड्डू हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग, देख के बोलो ना, देख के बोलो ना, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, यस। अगर आप भी बजट होटल ढूंढ रहे हैं तो आप भी यहाँ पर आ सकते हैं, आरएस रेजिडेंसी है इसका होटल का नेम, और ये हमको पड़ा 1200 में। और आप भी अगर बजट एकोमोडेशन ढूंढ रहे हो एक नाइट के लिए, तो सफिशिएंट, आपको सब कुछ सामने ही मिल जाएगा, और आसपास ही है सब कुछ, दुकान है जूस की दुकान, और अगर रेस्टोरेंट वगैरह, रेस्टोरेंट्स हो गए, द ब्रदर्स जो यहाँ पर एक फेमस जगह है, यहाँ पर जो बहुत अच्छी डिश वगैरह बनाता है, तो वहाँ से आप, क्योंकि हमने खाना वहीं से ऑर्डर किया था, वैसे होटल में मिलता है खाना, हमको किसी फ्रेंड ने रिकमेंड किया था, कह रहे हैं वहाँ पर अगर आप यहाँ पर आए तो वहाँ पर जरूर जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको अच्छे दाम में और अच्छे डिश मिल जाएगा कुछ खाने के लिए। तो हमने भी वही किया और रात को हमने वहीं से मंगाया था, तो आप आ सकते हैं यहाँ पर और एंजॉय कीजिए। ये था जी हमारा होटल, ये ऐसा है, ये बाहर से तो छोटा लग रहा है पर अंदर से काफ़ी बड़ा है, ये पूरी बिल्डिंग इसी की है। ये हमारी फैमिली गाड़ी में सामान रख रहे हैं, हमने चेकआउट कर लिया है, इसके बाद हम दर्शन करने जाएंगे और हमें लगेगा टाइम। ये बाहर का मौसम, दुकानें भी बंद हैं, काफ़ी गर्मी हो रही है यहाँ पे, सुबह का ही टाइम है। और
ये देखिए हम आ रहे हैं सुबह घूमने, अब टेंपल की तरफ जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे किसी ने मास्क नहीं पहना है, पता नहीं क्यों यहाँ पे क्या है। हमारे यहाँ तो देहरादून में भी, चंडीगढ़ में भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है, बिना मास्क के चलान काट रही है बिना मास्क के। यहाँ पे पता नहीं शायद नहीं हो रहा होगा, किसी ने भी नहीं है। हम रात को भी घूम रहे थे तो भी कोई मास्क में नहीं था, एक आधा ही दिख रहा था कोई मास्क वाला, बाकी तो कोई भी नहीं थे। मैं और मेरे पति देव पहन के घूम रहे हैं बस, हमारे फैमिली वाले। वहाँ पर भीड़ हो रही है, सब जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, हम भी जाते हैं। पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इस वक्त अमृतसर में, जो मेरे से तो बर्दाश्त नहीं होती, मेरे तो अभी से पसीने छूट गए। ये देखिए मेरे पति पानी की बोतल लेके चल रहे हैं अपनी बीवी के लिए, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और दीदी और भाई पीछे से आ रहे हैं। और उसने पैर में ब्लैक रखा है। मैंने काला ही पहना है, ये मुझे कह भी रहे थे तो गर्मी होगी, मैं कह नहीं यार नहीं होगी शायद, क्योंकि मैं बाहर ही नहीं निकली थी होटल के रूम से। वहाँ तो अच्छा लग रहा था अंदर एसी में, बाहर आके इतनी गर्मी लग रही है। तो कोई ना, देखती हूँ कैसा कैसा रहता है। ये क्या चीज है, जलिया वाला बाग? अच्छा अच्छा अच्छा, ये है ये जलिया वाला बाग है जहाँ गोलीकांड हुआ था। ये फाइनली गोल्डन टेंपल के दर्शन होने शुरू हो गए। ये देखिए अभी थोड़ा सा दिख रहा है, ये मेरे भाई और उनकी बेटी। काफी सुंदर दुपट्टे हैं, फुलकारी। रात को भी भीड़ होती है भाई, रात को ज्यादा लोग आते हैं। साइज साइज मार्केट होगी ना टेंपल से ही रहा। फाइनली दर्शन हो गया है भाई, इच्छा पूरी हो गई है मेरी तो टेंपल आने की। देव मंदिर है प्राचीन, अपने जूते रखे हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। लड्डू कैसे लग रहा है, मजा आ रहा है? इधर बोलो ना, भागो भागो। जैसे
पे या लड़कियों वाला कलर ले रहे हैं देखो भाई ऑरेंज ठीक लग रहा इसके दादू ने सिखाया लड्डू को पानी में जाने की खुशी ये पीछे भी नहीं देख लिया तो गर्मी बहुत हो रही है यहाँ पे सुंदर बहुत है ये देखो इसको बोलने की जरूरत ही नहीं है ये अब हमने कर लिया।
दर्शन, हम बाहर आ चुके हैं और अब जाते हैं, अपने जूते वगैरह पहनते हैं, उसके बाद करते हैं लंच क्योंकि हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, हम भूखे हैं। उसके बाद फिर हम निकलेंगे चंडीगढ़ के लिए, हमें घर जाना है आज। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो बताइएगा ज़रूर, आगे मैं दिखाती हूँ हम कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं। ज़्यादा तो नहीं बनाया क्योंकि अलाउ नहीं था ज़्यादा वीडियो वगैरह बनाना, जितना हो सका उतना मैंने बनाया। अब हम जा रहे हैं जल्दी पहनने, मिलते हैं आगे थोड़ी देर में। और हमने लस्सी भी पी ली थी, काफ़ी अच्छा था खाना भी और लस्सी भी। वो तो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत भीड़ थी और मुझे खुद भी वो नहीं हो रहा था मन की मैं करूँ वीडियो बनाऊँ, इसलिए नहीं कर पाई। पर ये हम अब निकल चुके हैं घर के लिए, आप देखिए आगे वीडियो में बने रहें। रोड काफ़ी अच्छी थी, आने जाने का पता ही नहीं लगा टाइम का क्योंकि आधे ज़्यादा तो मैं सोते हुए आई और सोते हुए गई, पर रोड काफ़ी अच्छी थी। और आजकल फ़ायदा भी है कहीं जाने का कि टोल टैक्स नहीं लगता है, कहीं पे भी आसानी से जाया जा सकता है, वरना ये फालतू का खर्चा होता है एक्स्ट्रा 300-400 का, 500 का, जितने भी लगते होंगे। पर आजकल कहीं भी जाओ तो मतलब नहीं हो रहा है, हम बहुत जगह से गए थे तो हमें नहीं देना पड़ा, वरना हर जगह तो यही चलता है फिर अगर हम कहीं गए हैं तो, इसलिए पैसे बच जाते हैं हमारे, वो हम कहीं और खर्च कर सकते हैं अपने खाने पीने में। तो काफ़ी अच्छा रहा हमारा ये सफ़र, देखिए आप भी वीडियो में। और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा हमारी वीडियो को और बताइएगा ज़रूर कि आपको वीडियो कैसी लगी। और इस समय वीडियो मेरे पतिदेव बना रहे थे क्योंकि मैं सो रही थी, आराम फरमा रही थी क्योंकि मैं बहुत थक गई थी सफ़र करके, मेरे को बहुत ज़्यादा थकान लग जाती है सफ़र में, तो इसलिए यही बना रहे थे वीडियो मेरे हस्बैंड, और वही एडिट करेंगे और वही भी बना रहे थे, मैं खाली बोलने का काम करती हूँ बस। करोगी इसका खेली, खेली खेली करोगी। ओके मेरा कुछ गुब्बारा बोल रहा है। है क्या बोल रहा है तुम्हारा गुब्बारा, कैसे हो? हमारे अमृतसर से घर, अभी हम रास्ते में, पता नहीं कहाँ है, मतलब नींद में ही आ रही हूँ अभी, मुझे नींद आ रही है, सर भारी भारी सा हो रहा है। अब हम चाय पीने के लिए रुके हैं, अब चाय पीने जाते हैं हम आगे, अच्छी जगह है ये हमारी गाड़ी, यहाँ पी रहे हम चाय। यहाँ से ओके
लोग आ चुके हैं घर और काफ़ी थकान हो गई है क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र था, तो इस वजह से मैंने अभी कर लिया है चेंज। तो अब करते हैं अपने ब्लॉग का समापन और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, वीडियोज़ कैसी पसंद आती है या नहीं आती है मेरी, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहिए और बाय बाय।